राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जा चुकी है, अब वो सांसद नहीं रहे, उनको 2 साल की सजा हो गई है और अब वो जेल भी जा सकते हैं। लेकिन इस सब बवाल से निकलने के लिए राहुल गांधी के पास कौन सा रास्ता बचा है और ये पूरा मामला क्या है, समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स। पहला है कि राहुल गांधी अब सांसद क्यों नहीं रहे। अब देखिए 23 मार्च को गुजरात के कोर्ट का फैसला आया और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। अब ये सजा इसलिए सुनाई गई क्योंकि 2019 में उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दे दिया था मोदी समाज के खिलाफ। ये देखिए आप, 23 मार्च को गुजरात के एक कोर्ट का फैसला आया और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। सजा इसलिए सुनाई गई क्योंकि उन्होंने 2019 में मोदी समाज को तकलीफ पहुंचा दी थी। कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। इस पर बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ केस कर दिया। कोर्ट में राहुल के वकील ने कहा कि इस बात पर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बात कही थी। इसके बाद 24 मार्च को लोकसभा की चिट्ठी आई और उसमें राहुल गांधी से सांसद का दर्जा छीन लिया गया। दूसरा है कि आखिर राहुल गांधी किस कानून से हार गए। सबसे पहले आप ये चिट्ठी देखिए, इस लेटर में जिक्र है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, जिसे हिंदी में कहते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991। इस एक्ट की धारा 8 ये कहती है कि अगर किसी भी सांसद सदस्य को किसी भी अपराध में दोषी करार कर दिया जाता है और कम से कम 2 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है तो वो सांसद सदस्य रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। ये कानून कहता है कि सजा के बाद 6 साल तक दोषी कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब अगर इस मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो वो 2024 का भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और 2029 का भी नहीं लड़ पाएंगे। तीसरा है कि अब इससे राहुल गांधी के पास विकल्प क्या बच जाता है। राहुल को 2 साल की सजा हो चुकी है, उनकी लोकसभा सदस्यता जा चुकी है और अगर अब इस मामले में उनको राहत नहीं मिली तो वो 2 साल के लिए जेल जाएंगे और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अभी भी एक रास्ता है, राहुल के पास 30 दिन का समय है सेशन कोर्ट जाने के लिए। वहाँ राहत मिल गई तो वो वापस MP बन सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं और अगर राहत नहीं मिली तो उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। रही बात जेल जाने की, तो वो याचिका दायर करके कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले सकते हैं। स्टे मिल गया तो जेल नहीं जाना होगा और अगर स्टे नहीं मिला तो जेल जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि वो कौन सा बयान था जिस पर ये सब बवाल हो गया। सबसे पहले आप ये बाइट सुन लीजिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? मोदी 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 कैसे हैं? ये वही भाषण है जिस पर राहुल पर केस हुआ है और उन पर IPC की धारा 499 और 500 लगाई गई है जो कि मानहानि की होती है। पांचवा है कि आखिर ये मोदी समाज के लोग होते कौन हैं? अब देखिए, मोदी समाज के खिलाफ बोलकर राहुल फंस गए हैं और अब आप ये जानिए कि ये कहाँ होते हैं और ये क्या करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मोदी समाज के लोग कौन हैं जिन पर बोलकर राहुल पर केस हो गया है। गुजरात में मोदी सरनेम का उपयोग मोड़ कम्युनिटी के लोग करते हैं। मोड़ शब्द का जुड़ाव मोड़ेरा सूर्य मंदिर से जुड़ा है और मोड़ेश्वरी माता मोदी समुदाय की कुल देवी है। उत्तर गुजरात के महसाणा में उनका मंदिर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। वे और इस एरिया में रहने वाले मूल मोड़ समुदाय के लोग OBC वर्ग से आते हैं। मोड़ कम्युनिटी के लोगों को तेली भी कहा जाता है क्योंकि पहले वो फसल से तेल निकालने का काम करते थे। हालांकि सारे मोदी उपनाम वाले OBC कैटेगरी में नहीं आते हैं, कुछ जनरल कैटेगरी में भी आते हैं और दूसरे राज्यों में भी बसे हुए होते हैं। मेनली ये लोग कारोबारी होते हैं। अब देखिए, क्योंकि राहुल गांधी केरल के वायनाड से MP थे तो वहां पे वापस अप्रैल में उपचुनाव हो सकता है और इसकी जो मंथन है वो अभी चुनाव आयोग कर रहा है। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। आप देखते रहिए News 24। मैं हूं रंजन विठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।